दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर विवाद पैदा हो गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्खू की सरकार ने इस परियोजना के लिए पंजाब के साथ 99 साल की लीज का नवीनीकरण नहीं करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 99 साल की लीज 2 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगी। चलिए जानते हैं शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। ये 110 मेगावाट की बिजली परियोजना है जिसे 1932 में कमीशन किया गया था। हालांकि वर्तमान में यह पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। ये देश के सबसे पुराने बिजली घरों में से एक है जो आजादी से पहले पूरे अविभाजित पंजाब, लाहौर और दिल्ली को बिजली प्रदान करता था। इसका निर्माण 1925 में मंडी जिले के तत्कालीन राजा जोगेंद्र सेन और पंजाब सरकार के मुखभियंता कर्नल बत्ती के बीच निष्पादित 99 साल की लीज के तहत बनाया गया था। इसे नवंबर 1966 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान पंजाब को दे दिया गया था। तब से यह पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। चलिए अब नजर डालते हैं शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की विशेषताओं पर। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मूल रूप से 48 मेगावाट क्षमता की थी। 1982 में पंजाब सरकार ने इसकी क्षमता को 60 मेगावाट अपग्रेड किया था, जबकि बाद में इसकी क्षमता को 110 मेगावाट करने के लिए 50 मेगावाट और जोड़ा गया। इस जल विद्युत परियोजना का मुख्य आकर्षण 4 चरण की ढुलाई ट्रॉली सेवा प्रणाली है। इसका निर्माण मूल रूप से शानन बिजली घर के निर्माण सामग्री को जोगिंदर नगर से बड़ौद तक ले जाने के लिए किया गया था। एक अद्वितीय प्रकार की ट्रॉली है जो चरखी प्रणाली पर आधारित है, जिसमें कोई इंजन, स्टीयरिंग व्हील या कोई गियर या ब्रेक नहीं है। और आखिरी में बात स्टॉपेज से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। भारत ने प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग सिद्रापोंग में 1897 में की गई थी। इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम में जल विद्युत गृह की स्थापना की गई जो कावेरी नदी पर स्थित है। भारत ने विद्युत केंद्रों का परिचालन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। इस समय भारत में कई नदी घाटी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जिनमें प्रमुखतः है भाखड़ा नागर परियोजना जो सतलज नदी पर बनाई गई है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर बनी हुई है, इसी तरह दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, जबकि नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसी तरह कई अन्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन देश में किया जा रहा है। चलिए अब वक्त हो चला है इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।